अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चना दाल बिरयानी। तो चना दाल बिरयानी बनाने के लिए मुझे जिन चीजों की जरूरत है, उसके लिए मैंने दो बड़ी प्याज ली थी और उसको स्लाइस कट कर लिए हैं। मैंने एक कप जो है वो चने की दाल ली थी और इसे एक घंटे के लिए भिगोकर जो है वो फिर इसे बॉईल कर लिया है। और जब ये बॉईल हो गई, अगर आप बॉईल करें और उसमें पानी बचे तो इसे छान लीजिएगा ताकि इसमें जो पानी रह जाए वो निकल जाए। मैंने एक कप दही ली है जिसे फेंट लिया है। दो टेबल स्पून नींबू का रस लूंगी। दो टेबल स्पून जो है वो हरी मिर्च कूट कर ली है। दो से तीन टेबल स्पून जो है वो धनिया चॉप किया हुआ है और दो से तीन टेबल स्पून जो है पुदीना चॉप करके लिया है। एक टीस्पून हल्दी ली है। एक टीस्पून नमक लिया है, आप अपने हिसाब से हसबे जायका नमक लीजिएगा। एक टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट हो तो एक टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लीजिएगा और एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाउडर लिया है, एक टीस्पून लहसुन का पाउडर लिया है और एक टीस्पून अदरक का पाउडर लिया है। मैंने एक टेबल स्पून सफेद जीरा लिया है। दो बड़ी इलायची के दाने लिए हैं। दो दालचीनी की स्टिक ली है। दो तेज पत्ता लिया है और चार से पांच जो है वो लौंग लिए है। और अदरक का जो फूल होता है वो लिया है एक दाना। और आधा किलो जो है वो चावल लेना है, सीला चावल, जिसे एक से डेढ़ घंटे के लिए भिगो देना है और फिर उसे बॉईल करके अलग रख लेना है उबाल कर। और जो है वो आधा कप तेल इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो तेल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने जो प्याज काट के रखी थी, अब मैं वो सारी प्याज इसमें डाल दूंगी और फिर इसे जो है वो गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन सी हो रही है, इसे तेल से निकाल दूंगी और निकाल कर इसे हवा में रख दूंगी ताकि ये जो है वो फ्राई अनियन की तरह हो जाए। तो इसे लो फ्लेम पे भी कर दिया है, पहले हाई फ्लेम पे था और अब मैंने जो इसमें प्याज डाली हुई थी गोल्डन ब्राउन होने के लिए हो गई है। मैं ये सारी इसमें से निकाल लूंगी चम्मच से इस तरह दबा के ताकि इसमें जो भी ऑयल है वो निकल जाए। और इसमें जो थोड़ी सी प्याज रह गई है इसमें जो है मैं लो फ्लेम पर ही दही डाल दूंगी। और अब इसे जो है वो चम्मच चलाऊंगी, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी और जो है वो मीडियम फ्लेम पे इसे कर दूंगी। अदरक लहसुन पाउडर जो है, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालूंगी, नमक डालूंगी, है वो मीडियम से वापस लो पे कर दूंगी ताकि मैं जो इसमें चीजें डालनी हूँ वो जले नहीं। हल्दी पाउडर डालूंगी, गरम मसाला पाउडर लिया था वो इसमें, और इन सबको चम्मच से डाल दूंगी, अच्छी तरह मिक्स करूंगी ताकि सारी चीजें जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। वो साइड पे जमा हो गया, इसने तेल छोड़ दिया है। और अब जो है मैंने जो हरी मिर्च दो टेबल स्पून कूट के रखी थी वो मैं सारी इसमें डाल दूंगी और इसे भी जो है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। मैंने इसके आज थोड़ी सी तेज की है, ये मीडियम और लो के दरमियान ही है और इसे जो है वो अच्छी तरह कर दिया हरी मिर्च डाल के इसमें। और मैंने जो चने की दाल बॉईल करके रखी हुई थी वो सारी चने की दाल डाल दूंगी इसमें, चम्मच चला लूंगी इसमें ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाए। टेबल स्पून जो है वो नींबू का रस डालूंगी। इसको मिक्स कर दूंगी ताकि नींबू का रस भी सब में मिक्स हो जाए। अभी लो फ्लेम पे कर देती हूँ मैं वापस। और मैंने जो है वो चावल बॉईल करके रख लिया है। मैंने उसमें जो है वो चावल बॉईल करते हुए एक टीस्पून नमक डाला था। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी और इसे इस तरह चम्मच को चम्मच की मदद से फैला दूंगी और चम्मच जो है वो इसमें से निकाल लूंगी इस तरह झटकार के। देखिए अब मैं वो प्याज उसके ऊपर डाल दूंगी, फैला दूंगी।
प्याज फैलानी है इस पे। मैंने जो धनिया पुदीना चॉप करके रखा था वो अब डाल दूंगी इस पे। चले चावल डाल दूंगी इसके ऊपर। प्याज रखी हुई है बचा के, वो प्याज इसके ऊपर फैला दूंगी। अब इन सबको बहुत ही आराम से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूंगी। स्टोव को जो है वो लो फ्लेम पे कर लूंगी और इसे 5 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख दूंगी। तो 5 मिनट हो गए हैं और जो चना दाल बिरयानी है वो तैयार हो गई है। अब इसे जो है वो सर्व कर देते हैं किसी भी प्लेट में या डिश में निकाल के। चना दाल बिरयानी तैयार हो गई है और मैंने इसे प्लेट में निकाल के सर्व कर दिया है। मैंने साथ में जो है वो रायता बनाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।